बिल्कुल राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। तो गायत्री वापस लौटने के आपके पास ये तस्वीर दिखा रहे हैं संसद भवन के भीतर की। राष्ट्रपति ने अपने 50 मिनट का अभिभाषण दिया, तमाम बातों का जिक्र किया और अब राष्ट्रपति संसद भवन से बाहर निकल रही हैं। नियम प्रोटोकॉल हमने दिखाया कैसे कि सुबह राष्ट्रपति कब कैसे 10:35 पर राष्ट्रपति भवन से निकली और उसके बाद संसद भवन के गज द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनका स्वागत किया। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और साथ ही आने वाले समय में सरकार किस तरह से काम करने वाली है, सरकार का विजन क्या है, यानी मोदी 3.0 कैसे विश्व स्तर पर देश का मान बढ़ाएगी और देश की जनता के लिए पुनीता कैसे काम करेगी, इस बात का भी जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आज किया। साथ ही आपातकाल और नीट पेपर लीक का भी जिक्र किया। बिल्कुल, और यही दो मुद्दे देखिए इस वक्त जो है पूरे देश में गूंज रहे हैं, नीट पेपर लीक जिसे लेकर लगातार देखिए विपक्ष जो है सरकार से सवाल भी पूछ रहा है और साथ ही साथ ये मुद्दा इस वक्त इतना हावी है और यही वजह है कि आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया और ये उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, ये भी कहा गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। और तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो संसद भवन से इस वक्त बाहर आती हुई राष्ट्रपति भवन की तरफ रवानगी होगी और गायत्री हमारे साथ है। गायत्री, बड़ा अहम हो जाता है उस अभिभाषण की मुख्य बातों को अगर आप देखेंगे तो बात बहुत बड़ी कही गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कि कैसे आपातकाल ने संविधान पर सबसे बड़ा हमला किया था, क्योंकि विपक्ष लगातार संविधान की बात करता है लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि आपातकाल कैसे संविधान पर हमला था। सलामी ग्रहण बिल्कुल, और देखिए वही बात श्वेता मैं कह रही थी, जब संसद में सदस्य शपथ ले रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी जब शपथ ले रहे थे तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए जिस चाहे अंदाज में अंदर ले जाया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां राष्ट्रपति को अब एक तरह से विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कई बातें की और जिनका जिक्र देखिए आपातकाल की बात आप कर रही हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ले रहे थे उस दौरान भी विपक्षी सांसदों की तरफ से सदन के भीतर संविधान की कॉपी दिखाई जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि आप तो कम से कम संविधान की बात मत कीजिए, क्योंकि आपातकाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में सदन के भीतर जिक्र किया और आपातकाल का जिक्र अभिभाषण में भी देखने को मिला, क्योंकि संविधान को लेकर विपक्ष ने अब रणनीति तैयार कर ली और विपक्ष आने वाले वक्त में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाला है, जिसकी शुरुआत भी देखिए कर दी गई है, क्योंकि विपक्षी सांसदों की तरफ से अगर आज हम स्टेटमेंट भी देखें तो सिंगोल को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं और उसको सीधा संविधान के साथ जोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि भाई अगर संविधान को लाना है तो सेंगोल को हटाना है, मतलब संविधान का मुद्दा जो चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश हुई थी और उसका काफी हद तक जो लाभ है गुमराह करने में विपक्ष को मिला है, तो अब विपक्ष ये चाह रहा है कि दरअसल अब ये जो सत्र है उसमें सरकार को घेरने के लिए संविधान को लेकर जो आरोप सरकार पर वो लगा रहे हैं उसको भुनाने की पुरजोर कोशिश होगी और बार बार इसीलिए संविधान का जिक्र किया जा रहा है। तो ये आपातकाल अब जो सत्ता पक्ष है वो उठा रहा है, वो कह रहा है कि आप तो संविधान की बात मत कीजिए, क्योंकि वो संविधान तब कहां गया था जब आपने आपातकाल लगाया था। आपातकाल को 50 साल भी पूरे हुए हैं, उसका जिक्र भी सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और अब ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे अब विपक्ष आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। देखिए पहले अगर हम बात करें मोदी 1.0 की अगर बात करें तो तब सिर्फ 44 सांसद थे विपक्ष कांग्रेस के पास और ऐसे में विपक्ष कमजोर। गायत्री हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, रवानगी इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संसद भवन से रवानगी राष्ट्रपति भवन के लिए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण अभिभाषण रहा जिसमें 10 साल की सरकार के कामकाजों का जिक्र किया गया, तो आज आगे आने वाले 5 साल किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की भारत बनेगी, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर काम किए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने संयुक्त सत्र में अभिभाषण के साथ उन बातों को भी रखा, अहम एक तरह से कहें कि वो बिंदु जो देश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है आगामी 5 वर्षों के लिए, उसका जिक्र किया गया। और ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, अब राष्ट्रपति संसद परिसर से बाहर निकलते हुए अपने
राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होती है। क्या कुछ और श्वेता, आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की जब शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने 18वीं लोकसभा में चुनकर आए सांसदों को बधाई दी। उन्होंने एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर ओम बिड़ला को बधाई दी और साथ ही कहा कि जनता ने आपको चुना है, ये आपका सौभाग्य है कि जनता ये चाहती है कि आप उनके लिए, उनके क्षेत्र के लिए जहां से आप आते हैं वहां के विकास के लिए काम करें। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि इसी भरोसे से जनता ने आपको भेजा है। और राष्ट्रपति ने उसके बाद कई महत्वपूर्ण बातें अपने अभिभाषण में कही। फिलहाल तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन से निकल चुकी हैं, निकल रही हैं और थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगी। सुबह की तस्वीरें भी बिल्कुल ऐसी ही थी, पूरे प्रोटोकॉल पूरे नियम के साथ जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकली थी तो उसी तरीके से बैंड की धुनों के साथ उनका वहां स्वागत किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियम के मुताबिक उनका गजद्वार पर स्वागत किया और उसके बाद ठीक 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण भी शुरू हो गया। और अभी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, संसद भवन से परिसर से बाहर निकल रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगी। इस दौरान हम लगातार बता रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। इस वक्त जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं उन्होंने अपने अभिभाषण में उन मुद्दों को भी छुआ और ये साफ कहा पुनीता कि हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार इस पर काम करेगी जिससे देश का विकास हो और जहां पर नुकसान हुआ है, जहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन सवालों का जवाब अपने काम से सरकार देगी। राज्यसभा बिल्कुल, और अपने अभिभाषण में देखिए कई बातों का जिक्र करते हुए विकसित भारत के संकल्प को किस तरीके से सरकार आने वाले दिनों में पूरा करेगी इसका भी जिक्र करते हुए राष्ट्रपति नजर आई। लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये एक नियम और एक प्रोटोकॉल जिसका पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और अब क्योंकि सदन से बाहर निकलते हुए रवानगी हो चुकी है राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन की तरफ, और उससे पहले क्योंकि जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो अभिभाषण रहा वो भी काफी अहम और जिसकी चर्चाएं भी अब खूब हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जहां विकसित भारत का जिक्र राष्ट्रपति ने किया, इसके अलावा जो मुद्दे इस वक्त देश में लगातार उठ रहे हैं उसका भी जिक्र करते हुए राष्ट्रपति नजर आई। इसके अलावा अभी तक यानी कि 10 सालों में सरकार की तरफ से क्या काम किए गए हैं इसके बारे में भी राष्ट्रपति बताती हुई आज नजर आई। दलीय राजनीति का समय नहीं है, ये भी कहा गया अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। और हमारे साथ गायत्री लगातार जुड़ी है। गायत्री देखिए एक और अहम बात है जिसका जिक्र अभिभाषण के दौरान किया गया, ईवीएम का जिक्र किया गया, क्योंकि ईवीएम को लेकर विपक्ष हमेशा ही हमलावर सरकार पर होता था, लेकिन उन्होंने कहा ईवीएम ने हर कसौटी को पार किया है। तो एक तरफ तो हम तस्वीरें गायत्री दिखाई रहे हैं कि संसद भवन परिसर से इस वक्त काफिला राष्ट्रपति का निकल चुका है राष्ट्रपति भवन के लिए, लेकिन उस बीच हमें इन बातों को भी समझना होगा कि हर एक बिंदु पर इस वक्त इस अभिभाषण में बातों को रखा गया।